आप सभी भाई बहनों को नमस्कार। सुप्रभात। सार्थक और बनेच अपॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। कहते नहीं है कि इतनी ढेर सारी दवाएं, देखिए इतनी ढेर सारी दवाएं हम लेकर के आए हैं और काफी कुछ समस्याओं से हमें दो चार होना पड़ा है, लेकिन अब थोड़ी सी स्वस्थता लग रही है, इसलिए अब आप लोगों के लिए फील्ड में हम जरूर उतरेंगे ताकि आप सब लोगों की समस्याओं का निराकरण करा सकें। और बहुत से विद्यार्थियों के, हमारे भाई बहनों के मैसेजेस आए हैं, मैं रिप्लाई नहीं कर पाता, जिसका मुझे तहे दिल से अफसोस भी है और मैं रिप्लाई अवश्य करूंगा उन्हें। अब आप सभी लोगों को कंटिन्यू रिप्लाई मिलेंगे, क्योंकि थोड़ी सी भाई शरीर में उलझन थी जिसकी वजह से हम दिक्कतों का सामना कर रहे थे। अब वो समस्याएं हमारी भाई, दवाएं चल रही हैं तो थोड़ा थोड़ा रिलैक्स हो रहा है मुझे। अब मैं आप लोगों के लिए कार्य करना फिर से स्टार्ट करूंगा और डॉक्टर ने भी इस चीज़ को बोल दिया कि आप अपने स्वास्थ्य के प्रति लगातार जो है वो लापरवाही किए हैं, जिसकी वजह से आज आपको इतनी बड़ी समस्याओं का अनुभव करना पड़ रहा है। तो खान पान पे तो वैसे भी हमारा सब कुछ सही रहता है, मैं बाहर की चीज़ें उतनी खाना जो है एक्सेप्ट नहीं कर पाता हूँ, हमेशा ही अवॉइड किया हूँ, लेकिन है ऐसी कुछ चीज़ें जिसकी वजह से मुझे तकलीफों का सामना करना पड़ा है। चलिए खबरों की शुरुआत कर लेते हैं। आप सभी लोगों की दुआएं रहेंगी तो हम बहुत जल्दी स्वस्थ भी हो जाएंगे और आप सभी लोगों के बीच में दोगुनी ताकत के साथ आप लोगों के साथ होंगे। चलिए खबरों की शुरुआत कर लेते हैं। पहली अपडेट है आप सभी लोगों की, टीजीटी पीजीटी 2022 के लिए एक वायरल डेट है सितंबर की, जो विद्यार्थी लगातार फोन करके पूछ रहे थे कि भैया डेट आ गई क्या, डेट आ गई क्या। देखिए सितंबर में पेपर को पाना नामुमकिन है, ठीक है ना, अक्टूबर मान लीजिए। जो लोग ये कह रहे हैं ना कि दिसंबर तक जा सकती है या जनवरी फरवरी तक जा सकती है, वो लोग सिपाही भर्ती परीक्षा भी बोल रहे थे कि आप लोगों की 3-4 महीने आगे जाएगी, बोल रहे थे ना कि तैयारियां अभी कुछ भी नहीं है और ऐसी चीजें हैं, 4-5 महीने आगे जा सकती है, ऐसे ही लोग बोल रहे थे। ऐसे ही लोगों की बातों पर भरोसा करके विद्यार्थियों ने अपना सब कुछ गुड़ गोबर कर लिया। बहुत से विद्यार्थी हैं कि भैया फलनवा चैनल बोल रहा है कि अभी 4 महीने लगेंगे पेपर होने में और उनके तो 5-7 लाख सब्सक्राइबर हैं, चलो चलने दो, कोई दिक्कत नहीं है, हमेशा रियल और ऑथेंटिक की बात करते हैं, जिसकी वजह से उन्होंने तैयारियों में अपने ध्यान नहीं दिया और उठा करके योगी महाराज जी ने पटका तो चारों खाने चित। हम इतने दिन से चिल्ला रहे थे कि अगस्त में पेपर होगा, अगस्त में पेपर होगा, और जब जुलाई समाप्त होने के कगार पे आ गया तो लोगों ने कहा कि अब कहाँ से अगस्त में पेपर होगा। हमने कहा भैया अगस्त में तो होने की बात सामने आ रही थी, और जब फट से आ गया 24 तारीख को डेट तो लोग कान खजवाने लगे अपना, अरे बाप रे, ये तो सब सही हो गया। तो आप लोगों के पास महज 20 दिन बचे हैं, जिनके 23 तारीख के पेपर होंगे उनके पास केवल 20 दिन का समय है, जिनका 24 को होगा उनके पास 21 दिन का समय है, और जिनका 25 को होगा उनके पास 22 दिन का समय है, और जिनका 30-31 को होगा वो भगवान नहीं जाने कि कितना समय है, ठीक है। तो आप लोग तैयारियां करते रहिए और कम समय में अगर संपूर्ण सिलेबस का आप अध्ययन करना चाहते हैं तो आप सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल का नोट्स जरूर पढ़िए। ये नोट्स आप सभी लोगों के लिए रामबाण है, आपको पूरा सिलेबस देगा, सिलेबस के अंतर्गत आप सभी लोगों को 2500 वस्तुनिष्ठ प्रश्न देगा, 2500 प्रश्न आप सभी लोगों को वस्तुनिष्ठ प्रकार के मिलेंगे, ठीक है ना। तो आप लोग उसको रिवाइज कर सकते हैं, ऑथेंटिक बनाया गया है उसको और रियलिस्टिक बनाया गया है उसको, ठीक है, प्रमाणिक पुस्तकों से तैयार किया गया है, गाइड नहीं है वो आप सभी लोगों को टेक्स्ट बुक के माध्यम से तैयार किए गए मैटर प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है ना। तो आप उसे ले सकते हैं, उसे पढ़ सकते हैं, यकीन मानिए कम समय में संपूर्ण सिलेबस का अध्ययन कराने वाला ये एकमात्र ऐसा नोट्स है जो कि आप सभी लोगों को परीक्षाओं में अच्छा खासा जो है हेल्प करके जाने वाला है। तो देर मत करिए, 97-41-83-85 इस व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करिए और हमारे नोट्स को फटाफट बुक कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब बात करेंगे वायरल एग्जाम डेट को लेकर के। वायरल एग्जाम डेट आप सभी लोगों की 20-21 सितंबर है।
21 सितंबर की जब बात मेरे सामने आई, क्योंकि मैं उस समय तो हॉस्पिटल में था, मैं इलाज कराने गया था भाई, जांच वगैरह कराई है मैंने, ठीक है ना। तो आप लोगों को मैं ये बता दूं कि बहुत से विद्यार्थी कहते हैं भैया आपने शायद हो सकता है कि इलाज उलाज ना कराया हो, लेकिन मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ, ये मेरा अल्ट्रासाउंड का रिपोर्ट है, ठीक है ना। मुझे पेट में दिक्कत हो रही थी तो ये मेरा अल्ट्रासाउंड का रिपोर्ट है, और ये मेरा ब्लड टेस्ट का रिपोर्ट है, ठीक है। और ये टोटल मेरी दवाओं का कैश मेमो है, दवाओं का और टेस्ट का। तो मैं आप सभी लोगों से असत्य भाषण नहीं करता हूँ, जो भी चीज़ें होती हैं हमारी कोशिश यही होती है कि मैं आप लोगों तक रियल और ऑथेंटिक चीज़ें पहुँचा सकूँ। तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि ये डेट आप सभी लोगों को फर्जी और फेंक दिया गया जो समाचार पत्रों में चल रहा है, ठीक है। अभी आप लोगों को ये चीजें देखने के लिए नहीं मिलेंगी, अक्टूबर में ये पेपर हो सकता है, जिसके कि लगभग 99.99% तक चांसेस हैं अक्टूबर में। यही डेट अगर अक्टूबर की मान ली जाए तो उसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, और दो दिन में आपका टीजीटी का पेपर समाप्त नहीं होगा, चार दिन चलेगा टीजीटी का पेपर, ठीक है। चार दिन टीजीटी चलेगा और चार ही तीन दिन आपका पीजीटी चलेगा, ठीक। तो सात दिनों तक का ये पेपर रहेगा, तो इतनी जल्दी तो समाप्त नहीं होने वाला है। तो आप लोग सितंबर नहीं अक्टूबर को जो है मान करके चलिए, और ये कहाँ से छप गया भगवान मालिक है, ठीक है। तो अभी आप लोगों को परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, बहुत से लोगों के ऊपर तो जैसे सर मुड़ाते ओले पड़े वाला स्थिति होगी, कह रहे बाप रे अभी तक तो हमने सिलेबस को देखा तक नहीं है कैसे सिलेबस होता है, और ये एग्जाम डेट आ गई। तो ऐसे ही एग्जाम डेट आप लोगों को देखने के लिए मिलेगी, समझ लीजिएगा, संभल जाइए, ठीक है। अभी ये सोच करके आप बैठ गए हैं कि चेयरमैन नहीं आया है, परीक्षा नियंत्रक नहीं आया है, उप सचिव नहीं बने हैं, तो हमारी परीक्षा तिथियां बहुत ज्यादा डिले जाएंगी। 15 तारीख, केवल 15 तारीख के अंदर आप लोगों को एग्जाम डेट मिलेगा, और वो एग्जाम डेट लंबा चौड़ा नहीं होगा, पहले असिस्टेंट प्रोफेसर आएगा, और ये डेट आप लोगों की असिस्टेंट प्रोफेसर की है, जो डेट दिखाई जा रही थी ना, ये असिस्टेंट प्रोफेसर की है, 21 सितंबर आप लोगों को इसी डेट पे देखने के लिए मिल सकता है असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती, ठीक है ना। क्लियरेंस होने चल रहा है, और सबसे बड़ी चीज आप लोगों को चेयरमैन बहुत जल्दी ही देखने के लिए मिल जाएंगे शिक्षा सेवाचन आयोग में। मुख्यमंत्री महोदय ने विधानसभा में खड़े होकर के जब शिक्षा सेवाचन आयोग की बात कर दी, तो जाहिर सी बात है कि उनके संज्ञान में ये सारे मामले जरूर है, ठीक है ना। तो परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। अब आप सभी लोगों को परेशानी वहां पे होती है जब भैया आपके गायब हो जाते हैं, भाई हम भी अस्वस्थ चल रहे थे, है ना। तो समस्याओं का अनुभव तो आप लोगों को करना ही पड़ेगा। जब हम शारीरिक रूप से स्वयं स्वस्थ नहीं हैं, तो जाहिर सी बात है कि आप सभी लोगों के लिए अपडेट लेकर के आना या किसी भी प्रकार की अफवाहों का खंडन करने की शक्ति मुझमें स्वयं नहीं है, मैं उस चीज को प्रमाणित नहीं कर सकता। जब मैं पता नहीं कर सकता तो मैं काहे के लिए वीडियो बना करके कूदूं बीच में, है? जब बोलने की ही क्षमता नहीं है हमारे पास, चलने की क्षमता नहीं है, तो हम कैसे आप लोगों को इसका खंडन करके दे सकते हैं। इसीलिए आप लोगों के बीच में मैं तभी आता हूँ जब मैं उस उन सभी कार्यों को करने में सक्षम रहता हूँ, तभी मैं आता हूँ। अब रिलैक्स है, रिलीफ है, तो आ गए हैं बीच में आप लोगों के। अब आप लोगों की समस्याओं पर कार्य करना आरंभ करेंगे। रही बात आपके आयु सीमा की छूट को लेकर के, चाहे वो किसी भी भर्ती संस्थान की हो, खासतौर पर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का, मैं आप लोगों को लिए वरद हस्त दे रहा हूँ, एकदम कंफर्म क्लियर मान लीजिए, आप लोगों को एज रिलैक्सेशन मिलेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है ना। एज रिलैक्सेशन आप लोगों को मिलेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है, आप लोग अपनी तैयारियां कंटिन्यू रख सकते हैं। मूव ऑन करने की बात मत किया करिए, मूव ऑन मत करिए, आप अपनी तैयारियों को कंटिन्यू रखिए। रही बात आपके एलटी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता के लिए, खंड शिक्षा अधिकारी के लिए, मैं आप लोगों को ये भी क्लियर कर दूं, चेयरमैन की नियुक्ति होने तक की ये प्रक्रिया रुकी हुई है। जैसे ही चेयरमैन की नियुक्ति होती है, तुरंत ही आप लोगों की वेबसाइट की लॉन्चिंग और समकक्ष अर्हता के पत्रावली का शासनादेश जारी होना, साथ ही साथ टीजीटी पीजीटी और विशिष्ट शिक्षा विभाग की नियमावलियों का पब्लिक डोमेन होना, उसके बाद एलटी ग्रेड जीएससी प्रवक्ता का विज्ञापन जारी होना, ये सभी कार्य आप सभी लोगों को कंटिन्यू देखने के लिए मिलने वाले हैं। तो आप लोगों को इसमें परेशानी नहीं होनी चाहिए। इतने दिनों की प्रतीक्षा आप सभी लोगों की रही है, थोड़े दिन और शेष बचे हैं, तो उसको भी धैर्यपूर्वक जो है
गंवा दीजिए, क्या दिक्कत है, है ना। ज्यादा छाती पीटने से तो कुछ होता नहीं है, है ना। अगर एक बार जीवात्मा शरीर से निकल करके चली गई, आप कितना भी सर पटक के रो लो, क्या वो वापस आ जाता है? नहीं आता है ना। तो वही चीजें होती हैं कि आप लोगों के लिए कार्य हो रहे हैं, अधिकारी भी कार्य पे लगे हुए हैं और शासन स्तर पे भी कार्य हो रहा है। मैं भले ही अस्वस्थ था लेकिन इन सभी चीजों पर हम मैंने निगरानियां बना रखी थी कि ऐसा ना हो कि कहीं किसी प्रकार का कोई जो है धचका लग जाए और विद्यार्थियों का जो बना बनाया काम है वो बिगड़ जाए। टीजीडी पीजीडी 2016-2021 के विद्यार्थियों को भी मैं बताना चाहता हूँ, आप सभी लोगों की नियुक्तियां विद इन 4 मंथ कंप्लीट कर दी जाएंगी, ठीक है ना। टीजीडी पीजीडी 2022 के पहले पहले ये प्रक्रिया समाप्त हो जाएगी, इसके लिए निश्चिंत रहें, बेफिक्र रहें। आप लोगों को रियल टाइम पे रियल अपडेट मिलती रहेगी, टेंशन लेने की बात नहीं है। बहुत से विद्यार्थी ये कहते हैं भैया अभी तक हमको आपने याचिका नंबर नहीं दिया। जिन विद्यार्थियों को ऐसा लगता है कि उनको याचिका नंबर नहीं मिला है, मैंने तो लगभग सभी को दिया है। अदरवाइज अगर किसी को ऐसी शिकायत है तो वो 97-41-85 इस व्हाट्सएप नंबर पे अपना जो है मैसेज करिए, हम आपको आपका याचिका नंबर प्रोवाइड करा देंगे, निश्चिंत रहें इसके लिए। क्योंकि हम साफ सुथरा काम करना पसंद करते हैं, हम पे जो भरोसा करता है, जो विश्वास करता है, उसके भरोसे और विश्वास के लिए हम आगे बढ़ना पसंद करते हैं, ठीक है ना। इसमें मेरा कुछ लेना लादना नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आप सभी लोगों के लिए कार्य करता हूँ, वकीलों से जाकर के बात करता हूँ, जब डेट लगती है तो मैं कोर्ट में उपस्थित होता हूँ। क्या आप सभी लोग कोर्ट में उपस्थित हो सकते हैं? अगर कोई ये जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार है तो बताओ, मैं उसको जो है मुख्य याचिकाकर्ता बना दूं कि भैया आप ये देख लो, कोई दिक्कत नहीं है, है ना। लेकिन विद्यार्थी कहते हैं भैया आप ही चली आ गए, आप ही चली आ गए, ऐसी कंडीशन हो जाती है। इसलिए मैं आप सभी लोगों से कह रहा हूँ कि कभी भी मैंने स्वार्थ हित के लिए अपने कार्य नहीं किया, जो भी कार्य किया आप सभी लोगों के भले के लिए कार्य किया और वही मेरी प्रायोरिटी में सम्मिलित होता है। इसलिए आप सभी लोगों को निश्चिंत और बेफिक्र हो जाने की आवश्यकता है, क्योंकि आपके बीच में आपका भाई मौजूद है, ठीक है ना। और एक चीज मैं आप लोगों को स्पष्ट कर दूं, जो आपकी यूपी कांस्टेबल का जो एग्जाम होने चल रहा है, यह पूरी तरीके से नए पैटर्न पे होगा, नए प्रश्न पत्रों के साथ होगा। आप सभी लोगों को काफी सारी चीजें नई दिख सकती हैं उसमें, ठीक है। तो नई चीजों को भी आप लोग लेकर के चलिए और नई चीजों को लेकर के आगे बढ़िए। और एक बात और, करंट अफेयर्स पे विशेष ध्यान दीजिए। एग्जाम के 10 दिन पहले का करंट अफेयर्स आपको पता होना चाहिए, समझ रहे हैं ना। आयोग बहुत चालाक हो गया है, तो अगर आप लोगों को ये जो पदक वदक जीत गया है ना मनु भास्कर वगैरह, ये सारी जानकारियां आप लोगों को होनी चाहिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे आपके UP SSC के, UP SSC के जो चेयरमैन है उनकी तो कहानी है, छोड़ दीजिए, जाने दीजिए, मतलब वो बात करने के लायक है ही नहीं। रही बात है संस्थान की, भगवान भरोसे चल रहा था लेकिन अब उसमें रिजल्ट जारी करने का एक नया सा जोश उत्पन्न हुआ है। देखते हैं ये जोश कितना कारगर साबित होता है, क्योंकि वहां के सचिव महोदय कह रहे हैं कि हम बहुत जल्दी एग्जाम रिजल्ट जारी कर देंगे, जो हमारी पेंडिंग पड़ी भर्तियां हैं उनको हम विद इन 2 मंथ कंप्लीट कर देंगे। भैया बहुत अच्छी बात है, लगभग 16-17 हजार नौकरियां तो आप ऐसे ही दे दोगे, अच्छी चीज है, करके दिखाओ, है ना। तो आप सभी लोगों को मैं बता दूं कि UP SSC भी इसमें अपनी कार्य प्रणाली को सुधारने पर लगा हुआ है और बहुत जल्दी आप लोगों को परीक्षा परिणाम देखने के लिए मिल सकता है, ठीक है। और रही बात नई प्राथमिक शिक्षा भर्ती के लिए, तो नई प्राथमिक शिक्षा भर्ती का विज्ञापन जो ये बातें सामने आती हैं कि 17,000 ये, 51,000 वो, फलाना ये, धमाका वो, आप लोगों को मैं स्पष्ट कर दूं, विज्ञापन तो आपका आएगा, उसमें कोई दो राय नहीं, विज्ञापन में कहीं कोई शक सुबह है ही नहीं, लेकिन ये विज्ञापन इस वर्ष आएगा इसमें संदेह है, ठीक है ना। ये विज्ञापन इस वर्ष होगा इसमें संदेह है। संदेह की बात इसलिए क्योंकि अभी किसी प्रकार की कोई तैयारियां देखने के लिए नहीं मिल रही है। दूसरा ये कि प्राथमिक शिक्षक भर्ती में बीएड विद्यार्थियों को मौका उत्तर प्रदेश शासन देगा अथवा नहीं देगा, ये अभी तक क्लियर नहीं हो पाया। कुछ जनप्रतिनिधि ये कहते हैं कि मौका देंगे, कुछ जनप्रतिनिधि ये कहते हैं कि अभी इस पर कोई चर्चा प्रचर्चा हुई ही नहीं है,
चूंकि चुनाव शेष है, आपको पता होगा कि 2027 में विधानसभा का चुनाव है, उसी बेस को लेकर के बहुत सी राजनीतिक पार्टियां जो है इसका मुद्दा बनाएंगी, ठीक है ना। तो जाहिर सी बात है कि वोट बैंक की राजनीति तो हर पार्टी करती है, तो हो सकता है कि आप लोगों को उसमें एडवांटेज मिल जाए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने तो पूरी तरीके से बीएड डिग्री धारकों को बाहर कर दिया, अब वहां पे कोई गुंजाइश बची ही नहीं है जो कि बीएड डिग्री धारकों को किसी प्रकार का कोई जो है वो सपोर्ट कर सके, ठीक है। तो सर्वोच्च न्यायालय से अब कुछ भी नहीं होने वाला, जो कुछ भी होने वाला है वो टोटल की टोटल चीजें आप लोगों को क्या देखने के लिए मिलेंगी, टोटल की टोटल चीजें आपको अपने प्रयासों के माध्यम से, जो हम सभी लोग मिलकर के प्रयास करेंगे जनप्रतिनिधि लेवल पे, वही कार्य आप लोगों को देखने के लिए मिलने वाला है, वही बेनिफिट आप लोगों को देखने के लिए मिलने वाला है। तो आप लोग कितने कारगर तरीके से इसका सपोर्ट कर सकते हैं वो तो देखना दिलचस्प होगा, ठीक है। तो आप लोग भी सपोर्ट करिए, हम सभी लोग भी काम करते हैं जनप्रतिनिधि लेवल पे, इस समय बजट सत्र चल ही रहा है, फटाफट काम करवा लेते हैं, लेकिन आप लोग सपोर्ट करने के लिए तैयार नहीं हो। है तो उत्तर प्रदेश में बीए डिग्री धारक 21-22 लाख, लेकिन अगर उनको कह दिया जाए कि चैनल पर जुड़िए तो वो नहीं जुड़ पाएंगे। अब एल्टीग्रेड जीएसटी प्रवक्ता के लिए भी कार्य करना पड़ेगा, क्योंकि विज्ञापन काफी डिले हो रहा है, जुलाई बीत गई, अगस्त आ गया, और ऐसे ही अगर ये प्रक्रिया चलती रही तो सितंबर या अक्टूबर आ जाए तो उसमें भी कोई संकोच वाली बात नहीं होगी, क्योंकि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग पूरी तरीके से न्यूट्रल है, उसको टॉप गियर में डालने के लिए कोशिश करनी पड़ेगी, धक्का लगाना पड़ेगा, ठीक है ना। क्लच प्लेट वगैरह उनका सब जल गया है, ठीक है, तो अब उनको जो है सपोर्ट पे धक्का दे करके गियर लगवाना पड़ेगा, भैया स्टार्ट कर लियो, है ना, वही चीजें हैं। तो आप सभी लोगों को भी सपोर्ट करना पड़ेगा ना, आप लोग भी सपोर्ट करिए। आज ये भगवा वस्त्र इसलिए धारण किए हैं कि आज आप लोगों के काफी सारे कार्यों को निपटाना है, ठीक है ना। सपोर्ट करिए सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल, सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर जरूर किया करिए। धन्यवाद, आप सभी का दिन शुभ हो।